महेंद्र गोयल जी, वक्ता बहुत ज्यादा है, समय सीमे का ध्यान रखें आप सब लोग। पूरा ध्यान रखा जाएगा जी, धन्यवाद आपका। मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया जो मदन लाल जी लेके आए। इस समय मैं कैमरे वालों से कहूंगा उस गैलरी की तरफ भी एक बार कैमरा अपना घुमा दे, जो वो बस मार्शल बैठे हैं वहां पर। आप लोगों की आवाज इस सदन के अंदर उठ रही है और ये सरकार पहले भी आपकी नौकरी दी थी, आज भी आपको नौकरी दिलवाने के लिए यहां पर इस सदन के अंदर प्रस्ताव लेके आई है। तय आप लोगों को करना कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों की मंशा के ऊपर हमें कहीं पर शक नहीं है। यह ठीक है कि विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि यह केजरीवाल की पुलिस है, यह केजरीवाल की फोर्स है। मैं इस सदन के माध्यम से कहता हूं, यदि नेता विपक्ष के अंदर दम था, हालांकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी का दबाव है, गंदी राजनीति का वो भी शिकार है, क्योंकि ऐसी पार्टी ने तानाशाही मचा रखी है कि जिन लोगों को दिल्ली सरकार रोजगार देती है तो उन लोगों का रोजगार मिटाया जाए, ऐसी घटिया राजनीति इन केंद्र सरकार वालों ने कर रखी है। मैं उनको कहता हूं, वक्त से दिन और रात, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेराज। आदमी को चाहिए, उन तानाशाहियों को बोल रहा हूं, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, ना जाने कौन घड़ी, वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। ये वक्त है, आपकी लगातार दो बार सरकार बनाई है केंद्र के अंदर, लेकिन जिस तानाशाही रवैये के ऊपर आए वो बहुत घटिया पण है उनका। इन लोगों के रोजगार के साथ में मत खेलें। ये सिर्फ 10,000 आदमी नहीं है, 10,000 परिवारों का ये एक समूह है, उसके साथ में इनके रिश्ते भी होते हैं, वो रिश्तेदार भी है। आप लोगों से कहता हूं, आज इस सदन की कार्रवाई को आप वायरल करना, इस सदन की कार्रवाई को पूरे के पूरे में दिखाना कि एक तरफ से केजरीवाल लगा हुआ है आप लोगों को रोजगार देने के लिए, आप लोगों को रोजगार दिलवाया था 2015 से लेकर 2022 तक, तो यह पॉलिसी बहुत अच्छी थी जिस समय अरविंद केजरीवाल लेकर आया। एक भी दुर्घटना नहीं घटी, एक भी बहन बेटी के साथ में कहीं पर किसी ने साहस नहीं किया किसी बहन बेटी के साथ में छेड़खानी। मैं सैल्यूट करता हूं इन बस मार्शलों को, सिविल डिफेंस के सभी वॉलेंटियर्स को, कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी को बहुत मुस्तैदी के साथ में निभाया है, तो परमात्मा भी देख रहा है, आपको नौकरी मिलके रहेगी। ये सदन आप लोगों को आश्वासन देगा, क्योंकि केजरीवाल जो ठान लेता है उसको पूरा भी करता है। केजरीवाल के जितने भी सिपाही बैठे हैं यहां पर, आप लोगों के लिए चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए हमें यदि अंतिम सांस तक भी लड़ना पड़ेगा तो लड़के रहेंगे। जब 2015 से लेकर 2022 तक ये पॉलिसी ठीक थी, उस समय भी दिल्ली के अंदर चीफ सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी होते थे, फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे। यदि इस पॉलिसी के अंदर खामी थी तो उस समय के मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी और उन सभी सेक्रेटरियों के ऊपर भी वो कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों का कसूर क्या था, इन्होंने सेवाएं दे रखी। तो जिस प्रकार से यह गंदी राजनीति हो रही है, यह गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदन लाल भाई
जो प्रस्ताव आप लेके आए हैं आपको सैल्यूट करता हूं, और ये सदन पूरा का पूरा सदन एकजुट है। नेता विपक्ष बड़ी खूबसूरती के साथ में कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे ये सदन तो गेस्ट टीचर के लिए भी बिल लेके आया था कि उनको पक्का कर दिया जाए, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर मैं बहुत खास तौर पे कहता हूं, यदि हमारी सरकार बनाने के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा हाथ रहा है तो शिक्षा के अंदर जितने भी टीचर लगे हुए हैं उन लोगों का रहा है, हॉस्पिटलों के अंदर जितने भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं उनका रहा है, शिक्षा और चिकित्सा के नाम के ऊपर ये तीन तीन बार सरकार बनाने का काम किया है। मैं सभी गेस्ट टीचर के लिए भी वो कहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी फाइल गई थी, अरविंद केजरीवाल ने जिस फाइल को भेजा था उसको वो पास करें, और इन लोगों के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी लगे हुए हैं, पूरा का पूरा सदन लगा हुआ है। और मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से यही दरखास्त करता हूं, एलजी साहब अच्छे और बुरे की पहचान होती है, आप बुराई के मोड़े मत चढ़ो, इन लोगों की बद्दुआ को मत लो, पता नहीं किस गरीब की आय कब खा जाए, आपके साथ में कब क्या नुकसान हो जाए। आज आपको लगते हैं कि आपके वो पैरोकार बैठे हैं, और मैं अरविंद केजरीवाल जी की सोच को एक और सैल्यूट करता हूं कि इस सदन के साथियों को उन्होंने संसद के अंदर भी सिर्फ इसलिए भेजने का काम किया है कि वो दिल्ली के दर्द को जानते हैं। और मैं उन सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग यहां से दिल्ली से चुन के जाएंगे और दिल्ली की आवाज को संसद के अंदर भी बुलंद करेंगे। आप लोगों के हक के लिए आज दिल्ली विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं, और कल आने वाले वक्त के अंदर दिल्ली के साथ में कहीं पर अन्याय होगा, आप लोगों की नौकरी के साथ में कहीं पर अन्याय होगा तो उस सदन के अंदर भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ेंगे, ये काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। बस एक बात कहता हूं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं मेरे साथियों, बस उसका रुख बदल दो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल। आज जो साथी हमारे इस सदन का हिस्सा है और आने वाले समय के अंदर वो पार्लियामेंट का हिस्सा हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, घबराने की जरूरत नहीं, अरविंद केजरीवाल आपके लोगों के साथ में, आपका बिल पास होकर रहेगा, ये हम लोग कहते हैं। धन्यवाद।